हेलो एंड वेलकम टू इजी कुकिंग रेसिपीज़। आज हम बनाने वाले हैं तंदूरी चिकन। तो इसके लिए ना हमें अवन की ज़रूरत है ना तंदूर की, और इसमें कोई भी हम रेडीमेड तंदूरी मसाला यूज़ नहीं करेंगे। तो चलें बहुत इजी सी और टेस्टी तंदूरी चिकन की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए कुछ चीज़ें हम ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ 2 टेबल स्पून धनिया लिया है, 2 टीस्पून ज़ीरा और साथ में 1 टीस्पून काली मिर्च लेंगे हम। इन सब चीज़ों को ड्राई रोस्ट करना है, बस 1 मिनट के लिए इसे ड्राई रोस्ट करना है। इसमें से जब अच्छी सी खुशबू आने लगे तो हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। हमें इसका कलर चेंज नहीं करना है। तो ये अच्छे से ड्राई रोस्ट हो गए हैं, अब हम इसको ठंडा करेंगे थोड़ा सा और इसका एक फाइन पाउडर बना लेंगे। अब हम एक बोल लेंगे, उसमें 1/4 कप दही डालेंगे। ये हंग कर्ड है तो आप दही का पानी निकाल दें, किसी चन्नी में रख दें और दही का पानी निकाल कर और ये दही यूज़ करें। अब हम 2 टेबल स्पून लेमन जूस डालेंगे इसमें। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून रेगुलर रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून कसूरी मेथी जिसको आप ड्राई रोस्ट कर लें तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा, और इसे क्रश कर कर डाल देंगे। और बाकी जो हमने मसाला ग्राइंड कर कर रखा है वो डाला है, और 1/4 टीस्पून हल्दी। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 2 टेबल स्पून ऑयल। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, तो यहाँ मैं 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल रही हूँ। इसे डालने के बाद हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो कश्मीरी रेड चिली पाउडर की जगह रेड फूड कलर यूज़ कर सकते हैं, या आप दोनों चीज़ें स्किप भी कर सकते हैं। तो बस ये कलर के लिए ही डाला है हमने। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे तो ये अच्छा सा मसाला रेडी हो गया है। अब हम मैरिनेशन करेंगे। तो मैरिनेशन के लिए यहाँ पर मैंने 800 ग्राम चिकन लिया है। इसमें इस तरह डीप कट्स लगा दें ताकि मैरिनेशन अंदर तक चला जाए। तो सारे पीसेस पर हम इस तरह कट लगा देंगे, इस तरह ये गहरे कट लगा रखे हैं मैंने, और ये इस मसाले में डाल देंगे हम। इसी तरह सारे पीसेस हम कट कर लेंगे। तो यहाँ मैंने ड्रमस्टिक्स लिए हैं इसलिए मैंने डीप कट्स लगाए हैं। अगर आप ब्रेस्ट पीस लें तो उसमें ज़्यादा डीप कट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, उसमें बहुत हल्के से ही कट्स लगाएं क्योंकि वो ऑलरेडी सॉफ्ट होते हैं और वो बहुत जल्दी गल जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को अब हम मिक्स कर देंगे और सारे पीसेस पर मसाला अच्छे से कोट कर देंगे। मसाला इन कट्स के अंदर अच्छे से जाना चाहिए ताकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छे से आए। अब आप इसको जितना ज़्यादा देर के लिए मैरिनेट करेंगे इतना ज़्यादा टेस्टी होगा ये। तो आप चाहें तो ओवरनाइट रख सकते हैं इसे फ्रिज में, वरना आप कम से कम 2 से 3 घंटे इसे ज़रूर रखें मैरिनेशन के लिए। तो ये मसाला अच्छे से कोट हो गया है, अब हम इसे कवर कर कर रख देंगे मैरिनेशन के लिए। जब ये चिकन मैरिनेट हो जाए तो हम 2 टेबल स्पून ऑयल गर्म करेंगे और उसमें ये चिकन डाल देंगे। इसे हमें तब तक पकाना है जब तक ये टेंडर ना हो जाए। तो इसको इस तरह मीडियम फ्लेम पर रखकर और कवर कर देंगे और 5 से 7 मिनट के लिए इसे इसी तरह पकने देंगे। उसके बाद हम इसकी साइड्स चेंज करेंगे। तो जो मसाला लास्ट में बचा था वो हम इसके अंदर डाल देंगे, वो वेस्ट नहीं करेंगे और इसे कवर कर कर रख देंगे। तो जैसे कि मैंने कहा 5 मिनट बाद हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। तो इसका जो मसाला है वो अच्छे से भुन जाना चाहिए और ये अच्छे से टेंडर हो जाए। तो हम इसे वापस से कवर कर देंगे और पका लेंगे जब तक कि ये टेंडर ना हो जाए। तो ये आपके चिकन पीसेस के साइज़ के ऊपर है कि कितनी देर लगेगी। मुझे 10 से 15 मिनट लगे हैं इसे गलाने के लिए। तो लगभग 15 मिनट हो गए हैं इसे पकते हुए और चिकन अच्छे से टेंडर हो गया है।
हम इसे चेक भी कर लेते हैं। देखिए अच्छे से टेंडर हो गया है। अब हम इसका पानी ड्राई करेंगे, तो इसके लिए हम फ्लेम को बिल्कुल हाई कर देंगे और इसे हाई फ्लेम पर पकाएंगे जब तक कि पूरा तरह से पानी ड्राई ना हो जाए। तो ये पानी ड्राई हो जाएगा और सारा मसाला इस चिकन में कोट हो जाएगा। तो देखें सारा पानी ड्राई हो गया है और मसाला अच्छे से चिकन में लग गया है। अब हम इसको तंदूरी का फ्लेवर देंगे, तो इसके लिए आप चाहें तो इसमें कोल का फ्लेवर दे दें। कोल को जलाकर इसमें रख दें 1 से 2 मिनट के लिए और फिर निकालें, तो आपका वो स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा इसमें। वरना फिर आप इस तरह की कोई ग्रिल ले सकते हैं और इस ग्रिल नेट पर हम चिकन रख देंगे और डायरेक्ट गैस फ्लेम पर इसे सेक लेंगे। इसके अलावा आप ओवन या तंदूर में भी इसे बना सकते हैं, तो जो चीज़ आपको ईजी लगे आप वो कर लें। बस सारे चिकन पीसेस हम रख देंगे और फ्लेम को करेंगे ऑन और इसे इस तरह सेक लेंगे जब तक कि इसमें अच्छे से मार्क्स ना आ जाए। इससे बहुत अच्छा बारबेक्यू फ्लेवर आता है इसमें, तो ये ज़रूर करें। इसमें तंदूरी चिकन का फ्लेवर तभी आएगा जब आप अच्छे से इसमें स्मोक देंगे, तो वो आप किसी भी तरह दे सकते हैं। तो इसे दोनों तरफ से इस तरह पका लेंगे और इसका मार्क्स आने देंगे इसमें। बस मज़ेदार तंदूरी चिकन बनकर तैयार है और इसमें बिल्कुल भी हमने रेडीमेड मसाला यूज़ नहीं किया है, ना ही इसमें ओवन की ज़रूरत है। अगर आप चाहें तो ओवन में कर सकते हैं और चाहें तो इस तरह भी कर सकते हैं। तो जिस तरह आपको इजी लगे आप वो कर लें और मुझे अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में दें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।